दोस्तों, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं और इसी संदर्भ में आज हम श्री पुष्परंजन साहब और श्री प्रदीप माथुर साहब से बात करेंगे। तो आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा पहला सवाल जो है वो पुष्परंजन साहब से है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जैसे ही फ्रांस जाने का प्रोग्राम बनाया, उससे जस्ट पहले, दो दिन पहले अचानक यूरोपियन यूनियन की एक जो है वो सभा हुई और उसके अंदर ये फैसला किया गया कि मणिपुर के सिलसिले में अपनी चिंता व्यक्त की जाए। मणिपुर का जो मसला है वो नया नहीं है, आज इसको जो है वो एक दो महीने से ज्यादा हो चुका है, यानी 3 तारीख को शुरू हुआ था 3 मई को और आज जो है हम लोग 13 जुलाई में बैठे हुए हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है पुष्परंजन साहब कि यूरोपियन यूनियन ने इतने दिनों तक सबर किया और फिर अचानक जब हमारे प्रधानमंत्री ने यूरोप के एक अहम मुल्क फ्रांस जाने का फैसला किया तो उन लोगों ने जो है उस पर अपनी चिंता व्यक्त कर दी और भारत के साथ टिक्का टिप्पणी भी कर दी। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो कुछ यूरोपियन यूनियन ने कहा है वो क्या है, और इसके बाद हम जो है वो प्रोफेसर माथुर साहब से पूछेंगे कि उन्होंने अपनी बात कहने के लिए इस समय का चयन क्यों किया। तो रंजन साहब, आप ये बताएं कि यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा। देखिए, यूरोपियन यूनियन 27 देशों का ब्लॉक है, 27 यूरोपीय देशों का ब्लॉक है, और वहाँ पर इस सवाल को पूछने से पहले ये कवायद चल रही थी पिछले 15-20 दिनों से कि उनको जो MEP हैं, यूरोपियन मेंबर, यूरोपियन पार्लियामेंट, MEP जिसे बोलते हैं, MEP को रोकने की तमाम कोशिशें हुई। यहाँ तक कि एक एजेंसी को दे दिया गया कि आप जो जो सांसद हैं और खासकर राइट विंग के जो सांसद हैं उनके माध्यम से समझाने की चेष्टा करें कि मणिपुर का सवाल उस समय नहीं उठाया जाए जब वो पेरिस में मुख्य अतिथि बन के मोदी जी जाएं। ये तमाम चीज़ें चलती रहीं, इस बीच में वो सारी कवायद जो हैं वो धीरे धीरे एक एक करके गिरती चली गई, फेल कर गई। उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने, कल की बात है, कल मोदी जी फ्रांस पहुंच चुके थे, उस समय यूरोपियन यूनियन में सबसे पहले वहाँ प्रस्ताव रखा गया। उस प्रस्ताव में आरोप लगाया गया बाकायदा कि मणिपुर में आप लगातार वहाँ हिंसा हुई, लोग मरे, 103 लोगों की संख्या ही बताई कितने लोग मरे हैं, इतने घर का सत्यानाश हुआ है, और खासकर यूरोपियन यूनियन में सबसे अधिक चिंता व्यक्त की गई क्रिश्चियंस माइनॉरिटी को दबाने की कि आपके वजह से वहाँ पर कुकी मैतेई का झगड़ा हुआ, कुकी मैतेई का झगड़ा शांत होने की का कोई दृश्य नज़र नहीं आ रहा है, सिविल सोसाइटी को अपने दबा के रखा, पत्रकारों को वहाँ जाने नहीं दिया गया और लोगों के साथ इतना जुल्म हुआ है, मिलिट्री का या जो भी वहाँ पर सुरक्षा बल हैं उनका भी दुरुपयोग किया गया, उन पर कोई भरोसा नहीं रह गया जो लोग रह रहे हैं मणिपुर में। इन सब चीज़ों को लेके बाकायदा एक आरोप पत्र जो प्रस्ताव की शक्ल में है वो पास हुआ वहाँ पर। उसके बाद सुझाव दिया गया भारत सरकार को कि आप इन सब चीज़ों को ख़त्म करें, जल्दी से जल्दी इंटरनेट सेवाओं को बहाल करें, दूसरा कि आप सिविल जो सोसाइटी के लोग हैं उनको आने देने की अनुमति दें, पत्रकार जो विदेशी मीडिया वाले हैं वो भी जाएं वहाँ पर, और वहाँ पर जितने भी लीडरशिप के लोग हैं वो वहाँ पर सौहार्द का वातावरण बनाएं, लोगों से मिलें जुलें और चीज़ों को दुरुस्त करने के, सामान्य करने की चेष्टा करें। और आखिर में ये कहा गया है कि भारत यूरोपीय संघ के जो संवाद हैं वो जारी रखें, आप वो संवाद आपके देश में शांति हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, धार्मिक अल्पसंख्यक को दबाया नहीं जाए, और संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग ने जो आपसे अनुरोध कर रखा था कि मणिपुर को ठीक ठाक करना है, वहाँ पर शांति बहाली करनी, वहाँ लोगों के साथ जुल्म सितम ना हो, उसे दुरुस्त करने के लिए भी आप उस संवाद को दोबारा से शुरू करें। इस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा भारतीय विदेश मंत्रालय भड़क गया। यहाँ पर जो विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा, उन्होंने कल बयान दिया, जैसे ही यूरोपीय संघ का वो अध्याय समाप्त होता है रेजोल्यूशन वाला, यहाँ उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, आप इसे तत्काल
हम इसका खंडन करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं कि भारत एक फ्रांस जो है की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं और उस यात्रा में खलल डालने की, उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और ये औपनिवेशिक मानसिकता है कि हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने का प्रयास किया गया है। जी सलीम साहब, तो माथुर साहब आपने सुना कि यूरोपियन यूनियन ने क्या किया। मेरा सवाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री उस पर जो है वो इतने लंबे अरसे तक 70 दिनों तक खामोशी उनके ऊपर छाई हुई है और अभी तक उन्होंने उसके ऊपर एक शब्द भी कहने की ज़रूरत नहीं महसूस की। अब जो ये यूरोपियन यूनियन का मामला आ गया है तो इसका हमारे प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा पर यानी उनकी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो वो जा रहे हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए ऐसा है कि आप जो बात कह रहे हैं कि फ्रांस में क्या हुआ या यूरोपीय यूनियन क्यों किया, मैं ये कहना चाहूँगा कि सारी चीज़ को आप जो है एक थोड़ा एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, बड़े नज़रिए से देखें। ऐसा है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री साहब ऑस्ट्रेलिया गए थे, बहुत ज़बरदस्त उनका रिसेप्शन हुआ, स्वागत हुआ, उसकी बड़ी बड़ी खबरें आप लोगों ने छापी, वहाँ भी थी। इतफाकन मैं भी होता ऑस्ट्रेलिया में था तो वहाँ भी सब छपा बॉम्बा। लेकिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब का वहाँ पर स्वागत हो रहा था, इस्तकबाल हो रहा था, उसी दिन जो है ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में 2002 वाली जो BBC की फिल्म है वो दिखाई गई। ये इतफाक आप कहें या कुछ कहें, इसी तरह से अमेरिका में जब वो गए तो वहाँ भी उस फिल्म पर चर्चा हुई और सब ऐसी बातें हुई। तो आज ये फ्रांस में और आज मणिपुर की चर्चा हो रही है, तो आज इसी क्या वजह है इसको ज़रा आप थोड़ा हम लोगों को गहराई से समझना चाहिए। देखिए इसकी वजह यह है कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं और उनसे जो भी क्या कहना चाहिए जहाँ भी डेमोक्रेटिक दुनिया है वहाँ पर एक डेमोक्रेसी के साथ साथ एक लिबरलिज्म भी है, उदारतावाद भी है, और उदारतावादी समाज जो है उसको इस तरह की टेंडेंसीज जो है क्या कहना चाहिए वो अच्छी नहीं लगती। तो जहाँ तक सरकारों की तो मजबूरी है कि उन्हें सरकार में सरकार के साथ डील करना पड़ता है, प्रधानमंत्री को इज्जत देनी पड़ेगी जो एक बड़े देश के प्रधानमंत्री को देनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ का जो जनमत है जो समझिए रूलिंग क्लास की जो मेंटेलिटी है वो उदारवादी है, तो किसी न किसी तरह से वो जो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है जिसको कि वो समझते हैं कि एक लिबरल पॉलिटिक्स से नहीं देश चलाया जा रहा है या जिन मामलों में भारत की सरकार एक लिबरल अप्रोच नहीं कर रही है और एक टोटलिटरी अप्रोच कर रही है उसके बारे में प्रोटेस्ट वो जाहिर करते हैं। तो ये जो आपका सवाल है इसका मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि जो फ्रांस में हो रहा है वो वहाँ की जो लिबरल एटीट्यूड है, लिबरल पब्लिक ओपिनियन है, उसका एक एक्सप्रेशन। तो पुष्पेंद्र साहब मेरा एक और सवाल है आपसे, अभी भारत जो है वो G20 देशों के जो है वो उसकी सरबराही कर रहा है, उसका लीडर है, अध्यक्षता कर रहा है और सारे भारत में पोस्टर लगे हुए हैं इसके बारे में और वो जो मशहूर वो है कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया जो है वो एक खानदान है। यूरोप वाले तो ये कहते हैं कि साहब पूरी दुनिया एक गांव है, लेकिन यहाँ उससे भी आगे की बात हो रही है कि पूरी दुनिया एक कुटुंब है, एक खानदान है। अब सवाल ये है कि अगर एक खानदान के दो चार लोगों पर कोई अत्याचार होता है, कोई जुल्म होता है, कोई मुश्किल होती है तो उस कुटुंब के दूसरे आदमी को उसकी चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और अपनी चिंता को व्यक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर वो ऐसा करता है तो आप फौरन कह देते हैं कि साहब ये हमारे आंतरिक मामलों में दखल है और ये जो है वो उपनिवेशिका की जो है वो है जिसकी वजह से आप ये कर रहे हैं, पुरानी मेंटालिटी है। तो ये एक तो तरफ आप ये नारा लगा रहे हैं कि सारी दुनिया एक खानदान है और दूसरी तरफ आप जो है वो किसी को कुछ बोलने नहीं देते, किसी की कुछ सुनना नहीं चाहते, तो ये दोनों में कैसा कंट्राडिक्शन है इसके बारे में कुछ बताएं। उसको थोड़ा मैं और माजी में ले जाना चाहूँगा, कुछ अतीत की बातें भी कहनी ज़रूरी है। एक तो ये कि ये जब कहते हैं ना कि हम हमारे आंतरिक मामले में दखल दे रहे हैं, तो आपको मैं याद दिला रहा हूँ कि सितंबर 2019 में यूरोपीय सांसदों का एक समूह आपके प्रधानमंत्री मोदी से मिलता है और ये वो वैसे सांसद हैं, हालांकि 27 देशों का ये समूह है, उसमें से 22 ऐसे सांसद चुने गए थे जो राइट विंग के सांसद थे, दक्षिणपंथी सांसद थे,
उनको बुलाया गया बाकायदा दिल्ली, एक एजेंसी ब्रसल्स में थी, उस एजेंसी के माध्यम से सारा ऑपरेशन हुआ। दिल्ली आए, प्रधानमंत्री मोदी से मिले, फोटो ऑप हुआ और फिर एक पूरा का पूरा वो जत्था कश्मीर गया। कश्मीर जाके उनको दिखाया गया श्रीनगर में, कुछ दिन एक दो दिन ठहरे वो लोग और वापस आके कश्मीर की तारीफ भी की। उस कश्मीर जाने और उससे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने और उनके वक्तव्य लगातार, उससे पहले भी यूरोपियन संसद में कश्मीर के हवाले से भी दो तीन MEP ने वहाँ पर सवाल उठाया था और भारत के पक्ष में काफ़ी बयान भी दिया था। वो सांसद भी उस यात्रा में थे, उनसे निजी मेरी मुलाकात कई राउंड है ब्रसल्स में भी और यहाँ भी भारत में। तो जब वो लोग मोदी की तारीफ करते हैं, मोदी की नीतियों की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान की मजम्मत करते हैं कश्मीर के हवाले से, तब तो आपको आंतरिक नीतियों में किसी तरह की खोट, किसी तरह की कमी, किसी तरह का मतभेद, वो सब चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। लेकिन जैसे ही ये उन पर सवाल, भारत सरकार के चरित्र पर सवाल उठता है कि आपने मणिपुर में गलतियां की हैं या देश में माइनॉरिटी के साथ आपने अच्छा सलूक नहीं किया है, तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हो जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड है और डबल स्टैंडर्ड का खामियाजा आगे चल के भुगतना ही पड़ सकता है। मुझे डर है क्योंकि यूरोपीय संघ जो है वो G20 का मेंबर कंट्री भी है, मेंबर कंट्री मतलब मेंबर ग्रुप भी है, 27 देशों का ग्रुप भी G20 का से वास्ता रखता है, उसका एक अंग है, प्रमुख अंग है। अगर सितंबर में यहाँ पर जो G20 का समिट होना है जिसका अध्यक्ष देश भारत है और मणिपुर के बिना पर या यहाँ मुसलमानों पर अत्याचार के बिना पर बहिष्कार कर दें हो, तो क्या रह जाएगी फिर G20 का मतलब क्या रह जाता है यहाँ पर शिखर बैठक का? एक बड़ा खतरा नज़र आ रहा है विदेश नीति के मोर्चे पर, क्योंकि आप जब किसी चीज़ पर आक्षेप करते हैं तो अपने अतीत को भी देखना चाहिए कि वो जब मीठा मीठा कहें तो गप गप और कड़वा कहें तो थू थू, तो ये तो दो चीज़ें चल नहीं सकती एक साथ में, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है पहला। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री मोदी जिस फ्रांस में गए थे, वहाँ एक अखबार को जिस जो मैं अनजान सा अखबार, यूरोप में बहुत समय तक रहा हूँ, वहाँ के मीडिया में भी काफ़ी मेरा आना जाना रहा, खासकर पेरिस में जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो संगठन है, तो लोग हर चीज़ को वॉच करते हैं। वहाँ पर एक अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस अखबार को भारत के यूरोप में ही बहुत कम देश के लोग जानते हैं, वहाँ पर उसकी डुगडुगी भारत में पीटी गई कि फ्रांस का बहुत बड़ा अखबार, यूरोप का बहुत बड़ा अखबार मोदी जी का इंटरव्यू लिया उसने, और मोदी जी ने इस दक्षिण वाला जो पार्ट है विश्व का उसकी उपेक्षा पे बात की है, वो तमाम चीज़ें उनके फोटो के साथ अखबार में छापा। लेकिन जो फ्रांस का और विश्व का सबसे प्रसिद्ध अखबार जो माना जाता है ला मोंदे, उस अखबार की ज़रा भी चर्चा नहीं। ला मोंदे ने एक संपादकीय पेज पर जिस तरह की मजम्मत की है प्रधानमंत्री मोदी की, और एक रिपोर्ट भी उनके यात्रा के हवाले से जो छपी है फ्रंट पेज पर, वो निहायत ही शर्मनाक भी है, निहायत सर झुकाने वाला भी है। साफ साफ लिखा है उस संपादकीय पन्ने पर जो ओपेड पेज पे जो छपा है, उसमें बाकायदा गुजरात दंगे के हवाले से बताया गया है कि ये जिस शख्स को प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के बतौर बुलाया गया है, ये व्यक्ति नरसंहार का बूचर्स ऑफ गुजरात, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया उस अखबार में। मुझे बहुत दुख है कि मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री के लिए वो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बूचर्स ऑफ गुजरात, कि वो मुख्य अतिथि कैसे हैं, क्यों बुलाया गया है वहाँ पर, ये सवाल ला मोंदे ने उठाया है। और कई तरह के सितम का सवाल भी उठाया है, माइनॉरिटीज़ को कैसे और क्यों बुलाया गया है, ये उस रिपोर्ट में भी है, कई लोगों के रिएक्शंस भी उस रिपोर्ट में है और ओपेड पेज पे भी काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा गया है। तो उसके बारे में कोई भी भारतीय मीडिया में चर्चा नहीं है, उसके बारे में ज़रा भी विदेश मंत्रालय को बोलना चाहिए था कि ये गलत है, या जो भी इनका प्रतिक्रिया देना चाहिए थी, गलत है या सही है, जो कुछ भी है इसमें जवाब तो चाहिए कहीं ना कहीं से, ये चीज़ें नहीं हैं। तो कई मोदी की यात्रा पर देखिए जहाँ जहाँ अभी जा रहे हैं, पिछले आप देखिएगा 4-5 महीने से यात्रा के बारे में, जैसे माथुर साहब ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बता रहे थे, BBC की उस रिपोर्ट का भी डॉक्यूमेंट्री संसद में दिखाई गई, ये भी शर्मनाक स्थिति थी। अमेरिका में उनसे सवाल किया गया,
कई सारे दमन चक्र के हवाले से, वो भी एक अच्छे टेस्ट का सवाल सब नहीं था जो मोदी जी से वहाँ पर मानवाधिकार हनन के बारे में पूछा गया। यहाँ जब फ्रांस जाते हैं तो उसी की धरती पर जो वहाँ का मीडिया है, वहाँ का सोशल मीडिया है, तमाम सवाल दागता है मोदी जी की यात्रा पर। और यूरोपीय संघ ने, जहाँ पर हम कई सारे भारत यूरोप के व्यापारिक संबंध से लेकर सांस्कृतिक संबंध तक हमारे जुड़े हुए हैं, वहाँ भी आक्षेप अगर उनकी यात्रा पर हो रही है तो निहायत चिंताजनक है, और लगता है कि भारत की विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह बड़ा सा खड़ा किया जा रहा है। जी सलीम साहब, तो अब मैं माथुर साहब आपके पास आता हूँ। अभी पुष्प रंजन साहब जो है वो एक डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे, तो उस डबल स्टैंडर्ड के ताल्लुक से एक सवाल ये है कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री के आगे जो है वो भारत की जो नेवी और एयरफोर्स के जो जत्थे वहाँ पे गए, और वो लोग जब वहाँ गए तो उन्होंने जो है वो बहुत मशहूर तराना है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो पढ़ा गया, उसकी धुन बजाई गई और उन्होंने उस पर मार्च किया। भारत में तीन तराने आमतौर से चलते हैं, उनमें से एक तो जनगण मन है, और दूसरे जो है वो वंदे मातरम है, और तीसरे ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान है। हमारी जो सरकार है फिलहाल, उसको तो जनगण मन से भी ज़्यादा अच्छा जो है वो वंदे मातरम लगता है, लेकिन इन्हीं की स्वागत के लिए जो तैयारियां हो रही है तो उसमें बजाय इसके कि जनगण मन या वंदे मातरम पढ़ा जाए, सारे जहाँ से अच्छा पढ़ा जा रहा है। लेकिन इसके जो दूसरा पहलू है वो ये है कि जिस शायर ने, अल्लामा इकबाल ने जो ये तराना लिखा जो सारी दुनिया में मशहूर है, उनको जो है वो दिल्ली के सिलेबस से निकाल दिया गया। तो एक तरफ तो आप उस शायर को जो है अपने सिलेबस से निकाल देते हैं, दूसरी तरफ उसका तराना जा कर के पढ़ते हैं, तो इस डबल स्टैंडर्ड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो हमारा तराना राष्ट्रीय तराना है, नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गान है, तो एक ही है, जनगण मन अधिनायक जैसा। अब जहाँ तक यह है, इसका सवाल है वंदे मातरम, ये लोग लाए हैं, ये भी इस जमाने में कहा जाता था, लेकिन ये नेशनल सॉन्ग नहीं है। सारे जहाज से अच्छा जो है ये हमारे ये जो फ्रीडम स्ट्रगल थी आज़ादी से पहले की, उसमें लोगों को एक खास तरह का एक कॉन्फिडेंस देना और एक नेशनलिस्टिक फीलिंग देने के लिए था, जैसा अल्लामा इकबाल ने लिखा। ये जो है बहुत ही मशहूर था और इससे तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, इसमें कोई शक नहीं। जो दिक्कत है वो ये है कि जो हमारे आजकल के हुक्मरान हैं और जो उनके एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी सोच जो है बहुत ही छोटी है। उनको ये नहीं पता कि अल्लामा इकबाल जो है वो हिंदुस्तान के पार्टीशन से पहले जो है उनका इंतकाल हो गया था, उनकी डेथ हो गई, उनको ये नहीं अंदाज है। ये ज़रूर है कि बाद में आज़ादी से थोड़े पहले अल्लामा इकबाल को लगने लगा था कि भाई शायद मुसलमानों के लिए एक होमलैंड की ज़रूरत हो, और उन्होंने जो है एक जगह कहीं ना कहीं पाकिस्तान का वो भी किया था समर्थन। लेकिन साथ साथ ये भी बात है कि अल्लामा इकबाल की जो पूरी पर्सनैलिटी थी और जो उनका जो पूरा समझिए जो कंट्रीब्यूशन था, वो एक नेशनलिज्म से उत्प्रोत था जो कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ाई थी। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ जो लोग लड़े, उनके कई तरह के करेक्टर्स थे, उनकी कई वो थी, क्या कहना चाहिए, उनके पास कई तरह के मोटिवेशंस वगैरह थे, काफ़ी लोग थे जो उस पर था। तो बेसिकली जो लड़ाई थी वो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट थी, और अल्लामा इकबाल ने वो बात कही थी। उसके बाद जो भी उनके वो हों, तमाम बातें ऐसी हुई हैं। अगर आप हमारी हिस्ट्री खोल के देखें, तमाम लोगों ने तमाम बातें करी। बीजेपी वाले जो एक बात नहीं कहते हैं वो ये कि सरदार पटेल ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, वो ये रिटेन है, उनकी बायोग्राफी भी रिटेन है। और इस तरह से आप सोच सरदार पटेल को भी कल कह सकते हैं कि तो एंटी नेशनल आदमी थे, मतलब आप कुछ कह सकते हैं मतलब। तो सवाल ये है कि ये वाली बातें जो हैं ये सब नासमझी की बातें हैं जो बीजेपी वाले करते हैं। मेरी इनको ये है, मेरा सजेशन ये है इनको कि जो कुछ पढ़ें लिखें, चीज़ों को गहराई से समझें, तो शायद इस तरह की बचकानी बातें नहीं करेंगे। एक बात, दूसरी बात आप कहेंगे कि इनको इस पर इस तरह की याद कैसे आई इस वक्त, मतलब गाय को किया और इस वक्त औरों को बोल के उन्होंने सारे जहाँ से अच्छा क्यों कहा, नेवी वगैरह से क्यों कहा। नेवी को तो नेशनल एंथम भी आती है, जनगणमन भी आती है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो जिससे मेरी समझ में आ रहा है, एक छोटी सी जो है पॉलिटिकल वजह भी दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि सारे हिंदुत्व की बात करने के बाद और इतने साल मुसलमानों को बुरा भला कहने के बाद, अब मोदी साहब को लगने लगा है कि शायद अगले चुनाव में उनको मुस्लिम वोट की जरूरत पड़े। तो मुझे लग रहा है कि आप कुछ ये जो है अब वो काम करने लगे हैं जिसका कि इल्ज़ाम कांग्रेस पे लगाते थे, जिसको कि हम कह सकते हैं मुस्लिम अपीजमेंट वाली बात, मुझे लगता है।
हमारे मोदी साहब जो है वो वहाँ इजिप्ट जाते हैं, मस्जिदों में भी आजकल जाने लगे हैं, मतलब एक कोई मुशायद कहीं के सऊदी अरेबिया के कोई और साहब आए उनके साथ भी इनकी बातचीत हो रही है, बैठे हैं एक जगह एक आजकल वीडियो आ रहा है उसमें पता लगा कि ये कहीं आयत पढ़ी जा रही है कुरान की, वहाँ भी मोदी साहब बैठे हुए हैं और तमाम इस तरह की बातें कही जा रही है जिससे कि शायद इनको पसंदा मुसलमानों की बातें कही जा रही है, सब कहा जा रहा है, तो शायद हमें लगता है कि मोदी साहब को लगने लगा है कि अगले चुनाव में मुसलमानों के वोट की ज़रूरत है, क्योंकि तो हिंदुत्व कार्ड से मुसलमान एलिनेट हो जाएंगे और शायद हिंदू भी इनके साथ ना दें उस तरह जितनी पिछली बार मिला, तो मुझको लगता है ये तराना जो गाया गया शायद इसके पीछे पॉलिटिकल रीज़न भी है। हाँ तो दोस्तों, हम लोगों ने फ्रांस की जो यात्रा है प्रधानमंत्री की उसके ताल्लुक से कुछ अहम बातें जो है वो यहाँ कही, और एक बात तो बहुत खुल के सामने आई हमारे दोनों मेहमानों की तरफ से कि प्रधानमंत्री जब भी किसी फॉरेन टूर पे जाते हैं, किसी विदेश यात्रा पे जाते हैं, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज अचानक पैदा हो जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में गए तो यही हुआ, US में गए तो एक लड़की ने सवाल कर लिया और उसको फिर टोल किया गया, अब उसकी वजह से और ज़्यादा बात बिगड़ गई। अब यहाँ पर फ्रांस में जाने से पहले यूरोपियन यूनियन का जो है वो एक फैसला आ गया और उसकी तरफ से क्रिटिसिज्म आ गया, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हर बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी एक दौरे के वक्त होती है, जो कि एक चिंता का विषय है, और इस पर जो है वो हमारे विदेश मंत्रालय को जो है वो इस पर सोचना पड़ेगा कि हम जो विदेश यात्रा करते हैं तो उससे अपने देश की गुडविल बनाते हैं, लेकिन होता हो ये रहा है कि उस विदेश यात्रा से कोई गुडविल बनने के बजाय पुराने जख्म ताज़ा हो जाते हैं और फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। तो इसी बात पर आज हम अपनी इस चर्चा को ख़त्म करते हैं, हम बहुत जल्द अपने मेहमानों के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।